प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के रेवाड़ी मदार सेक्शन को राष्ट्र को किया समर्पित। ये कॉरिडोर महाराष्ट्र के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट से उत्तर प्रदेश के दादरी स्टेशन को जोड़ेगा। कोविड-19 टीकाकरण के ड्राई रन पर राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने बैठक की, कहा कुल 33 राज्यों में होगा टीकाकरण का ड्राई रन। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनकारी किसानों के जमावड़े को देखते हुए कोविड संक्रमण फैलने की आशंका जताई। कोर्ट ने महामारी के दौरान भीड़ को लेकर सरकार से विस्तृत गाइडलाइन जारी करने को कहा। और अमेरिकी संसद में ट्रंप समर्थकों को हंगामे और ट्रंप द्वारा हार स्वीकार किए जाने के बाद जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने का रास्ता साफ। अमेरिका में संसद पर हुए हंगामे की दुनिया भर में हुई निंदा। नमस्कार, मैं हूं अर्चना ब्रिजेश और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के रेवाड़ी न्यू मदार खंड को राष्ट्र को समर्पित किया। पीएम मोदी ने डबल स्टिक कंटेनर को झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास ये सुविधा उपलब्ध है। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए चल रहे महायज्ञ ने आज एक नई गति हासिल की है। हरियाणा के न्यू अटेली से राजस्थान के न्यू किशनगढ़ के लिए पहली डबल स्टैक कंटेनर मालगाड़ी रवाना की गई है, यानी डिब्बे के ऊपर डिब्बे, वो भी 1.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी में। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारत इस सामर्थ्य वाले दुनिया के गिने चुने देशों में आज अपनी मौजूदगी, अपनी ताकत दर्ज करा रहा है। भारत उसमें शामिल हो गया। यही है वो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन द्वारा चलने वाली 1.5 किलोमीटर लंबी दुनिया की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन। फर्राटे से रफ्तार भर रही इस ट्रेन को कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। इसके साथ ही पीएम मोदी ने वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के रेवाड़ी मदार खंड को भी देश को समर्पित किया। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को देश के लिए गेम चेंजर बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सिर्फ आधुनिक मालगाड़ियों के लिए आधुनिक रूट भर नहीं है, ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर देश के तेज विकास के कॉरिडोर भी हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के इस प्रोजेक्ट को 21वीं सदी में भारत के लिए गेम चेंजर के रूप में देखा जा रहा है। पिछले 5-6 वर्षों के कड़े परिश्रम के बाद आज इसका एक बड़ा हिस्सा हकीकत बन चुका है। कुछ दिन पहले जो न्यू भावपुर न्यू खुर्जा सेक्शन शुरू हुआ है, वहां मालगाड़ियों की स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर तक दर्ज की गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर का काम 2 पटरियों पर एक साथ चल रहा है। एक पटरी इंडिविजुअल व्यक्ति के विकास को आगे बढ़ा रही है और दूसरी पटरी देश के ग्रोथ इंजन को नई ऊर्जा मिल रही है। अनेक योजनाओं से करोड़ों भारतीयों का जीवन सरल हो, सहज हो, आत्मविश्वास से भरा हुआ हो और सम्मान के साथ जीने का उसको अवसर मिले, इसलिए ये कल्याण के काम भी तेजी से चल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश भर में फ्रेट कॉरिडोर की तरह इकोनॉमिक कॉरिडोर, डिफेंस कॉरिडोर, टेक क्लस्टर और इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए विशेष व्यवस्थाएं तैयार की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया ये भी देख रही है कि भारत में इंडिविजुअल और इंडस्ट्री के लिए बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं। इंडिविजुअल, इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट,
इन सबका तालमेल भारतीय रेलवे को भी निरंतर आधुनिक बना रहा है। बुकिंग से लेकर यात्रा समाप्ति तक शिकायतों का ही अंबार रहता था। साफ सफाई हो, समय पर ट्रेन चले, सर्विस हो, सुविधा हो या सुरक्षा, मानव रहित फाटकों को खत्म किया जाने वाली बात हो, हर स्तर पर रेलवे में बदलाव लाने की मांग होती रही है। बदलाव के इन कामों को बीते वर्षों में नई गति दी गई है। बीते 6 साल में रेलवे ने हर स्तर पर रिफॉर्म किए हैं। आज भारत में सेमी हाई स्पीड ट्रेन चल रही हैं। हाई स्पीड के लिए ट्रैक बिछाने को लेकर बेहतरीन टेक्नोलॉजी तक के लिए भारत में काम हो रहे हैं। भारतीय रेलवे आज मेक इन इंडिया से लेकर बेहतरीन इंजीनियरिंग की भी मिसाल बन रही है। भारत तेजी से कोविड के खिलाफ निर्णायक जंग की तैयारी में जुटा है। देशभर के 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुक्रवार को ड्राई रन किया जा रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के खिलाफ भारत की इस उपलब्धि पर हर भारतवासी का सर ऊंचा हो गया है। देशभर के कुल 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुक्रवार को कोरोना टीकाकरण का ड्राई रन किया जाएगा। इस अहम अभियान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को एक कार्यक्रम में कोरोना महामारी के खिलाफ भारत में बनाए गए 2 वैक्सीन का जिक्र खास तौर पर किया। उन्होंने कहा कि इस कदम ने देशवासियों में नया आत्मविश्वास पैदा किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के खिलाफ भारत की इस उपलब्धि पर हर भारतवासी का सर गर्व से ऊंचा हो गया है। भारत ने कोरोना की 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन भी स्वीकृत की है। भारत की अपनी वैक्सीन ने देशवासियों में नया आत्मविश्वास पैदा किया है। 2021 की शुरुआत के माहौल में आरंभ से ही भारत की ये तेजी आत्मनिर्भरता के लिए गति, ये सारी बातें देख करके सुन करके कौन हिंदुस्तानी होगा, कौन मां भारती का लाल होगा, कौन मां भारत को प्रेम करने वाला व्यक्ति होगा जिसका माथा गर्व से ऊंचा न हो। इस बीच देश भर में कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत से पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ड्राई रन पर सभी प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारत में 1 करोड़ से भी अधिक लोग ठीक हो चुके हैं और अपने घरों को लौट चुके हैं। अब तक 17 करोड़ नमूनों की जांच की जा चुकी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 2 टीकों को मंजूरी दे दी गई है और टीकाकरण जल्द ही शुरू हो जाएगा। 1000 टेस्ट करते थे, वहाँ आज 1 मिलियन से ज्यादा टेस्ट हम कर रहे हैं। सारे देश में लगभग 17 करोड़ टेस्ट कर लिए हैं। 2 हमारी वैक्सीन जो है उनको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिल गया है और उन वैक्सीन को देश की, समाज की, समाज के लोगों की कोविड से सुरक्षा के लिए उन वैक्सीन का इस्तेमाल करने की स्टेज के अंदर हम सब लोग आज आकर खड़े हो गए हैं। 33 यानी स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज के अंदर ये हमारी जो ड्राई रन है ये हम करने वाले हैं। इसके साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि निजी अस्पताल और सरकारी अस्पतालों के स्वास्थ्य कर्मचारियों को पहले टीका लगाया जाएगा, उसके बाद पुलिस कर्मियों, अर्धसैनिक बलों, सेना के जवानों, निगम कर्मियों को भी वैक्सीन दी जाएगी। 50 वर्ष से अधिक आयु के 27 करोड़ से भी अधिक लोगों को टीका लगाया जाएगा। इस बीच देश में कोविड से ठीक होने वाले मरीजों की कुल संख्या 1 करोड़ को पार कर 1,16,859 हो चुकी है। स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या संक्रमित मरीजों की तुलना में 44 गुना है। कुल स्वस्थ हुए लोगों का 51% मामला 5 राज्यों से है। पिछले 24 घंटों में 19,587 मरीजों को ठीक करके अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। राष्ट्रीय स्तर पर रिकवरी दर भी बढ़कर 96.36% हो गई है। संक्रमित मरीजों तथा स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या के बीच का अंतर 97,88,776 है, जो कि लगातार बढ़ रहा है।
शुक्रवार को कृषि कानूनों के मसले पर सरकार और आंदोलन कर रहे किसानों के बीच अगले दौर की बातचीत होगी, जिसे लेकर सरकार कह चुकी है कि देश में करोड़ों किसान हैं और सरकार को सबकी बातों को ध्यान में रखकर और कानूनी पहलुओं के मुताबिक फैसला करना है। 4 जनवरी को हुई बातचीत में कुछ मसलों पर बातचीत नहीं हो सकी थी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शन कर रहे किसानों के जमावड़ा को देखते हुए कोविड संक्रमण फैलने की आशंका जताई है। इस मामले में कोर्ट ने सरकार से पूछा कि क्या किसान कोविड को देखते हुए जरूरी एहतियाती कदम उठा रहे हैं। साथ ही कोर्ट ने अपनी चिंता को जाहिर करते हुए आशंका जताई कि ये पिछले साल तबलीगी जमात की तरह संक्रमण फैलने का खतरा बन सकता है। कोर्ट ने महामारी के दौरान भीड़ को लेकर सरकार से विस्तृत गाइडलाइंस जारी करने को भी कहा। कोर्ट ने यह टिप्पणी निजामुद्दीन मरकज मामले में सीबीआई जांच की मांग की सुनवाई के दौरान की। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। साथ ही सुनवाई के दौरान किसान प्रदर्शन से भी ऐसे ही हालात पैदा होने की आशंका जाहिर की है। इस बीच शुक्रवार को कृषि कानूनों के मसले पर सरकार और आंदोलन कर रहे किसानों के बीच अगले दौर की बातचीत होगी, जिसे लेकर सरकार कह चुकी है कि देश में करोड़ों किसान हैं और उसको सबकी बातों को ध्यान में रखकर और कानूनी पहलू के मुताबिक फैसला करना है। 4 जनवरी को हुई बातचीत में कुछ मसलों पर बात पूरी नहीं हो सकी थी, लेकिन सरकार ने अगली बैठक में कुछ समाधान निकलने की उम्मीद जताई थी। इससे पहले 30 दिसंबर को हुई बैठक में किसानों की ओर से भेजे गए विवरण के मुताबिक तीनों कृषि कानूनों, एमएसपी की खरीद व्यवस्था के साथ ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग अध्यादेश 2020 और विद्युत संशोधन विधेयक 2020 में किसानों से संबंधित मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई थी। इसके बाद 2 मुद्दों, वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग अध्यादेश 2020 और विद्युत संशोधन विधेयक 2020 पर दोनों पक्षों के बीच रजामंदी हो गई थी। उधर किसानों ने सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति के तहत ट्रैक्टर मार्च निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। किसान संगठनों ने मांगे नहीं माने जाने की स्थिति में प्रदर्शन जारी रखने के संकेत दिए हैं, जबकि केंद्र सरकार ने नए कृषि कानून पर क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा करके आपत्तियों का समाधान करने का भरोसा दिया है और पिछली बैठक में 2 मांगों को मान भी लिया है। ऐसे में किसान संगठनों को भी अड़ियल रवैया छोड़कर समाधान की ओर कदम बढ़ाना होगा। अमेरिकी संसद में हंगामे के बाद अब कांग्रेस ने राष्ट्रपति चुनावी नतीजों को स्वीकार कर लिया है। अब संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए जो बाइडेन का रास्ता साफ हो गया है। जो बाइडेन को 306 जबकि डोनाल्ड ट्रंप को 232 मत मिले हैं। कांग्रेस के चुनावी नतीजे स्वीकार करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप सत्ता हस्तांतरण के लिए तैयार हो गए हैं। संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति के लिए मतदान के लिए नियुक्त किए गए निर्वाचकों की पूरी संख्या 538 है। उस पूरी संख्या के भीतर बहुमत 270 है। संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रपति पद के लिए जो बाइडेन को 306, डोनाल्ड ट्रंप को 232 वोट मिले हैं। संयुक्त राष्ट्र के उपराष्ट्रपति पद के लिए कमला हैरिस को 306 वोट, माइकल आर पेंस को 232 वोट मिले हैं। सीनेट के अध्यक्ष द्वारा वोट की स्थिति को देखते हुए अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को घोषित माना जाए। दूसरी तरफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अंतिम नतीजों से असहमति जताते हुए कहा, हालांकि मैं चुनाव के नतीजों से पूरी तरह असहमत हूं और इस बात के प्रमाण भी हैं, लेकिन बावजूद इसके 20 जनवरी को सुचारू रूप से सत्ता का हस्तांतरण होगा। अमेरिकी कांग्रेस द्वारा जो बाइडेन के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने पर मोहर लगाए जाने से पहले वहां जो हुआ उससे न सिर्फ अमेरिका बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों को मानने वाले सारे देश सख्ते में हैं। लोकतांत्रिक सिद्धांतों के तहत सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया के वक्त जो कुछ भी कैपिटल बिल्डिंग में घटा उसकी उम्मीद किसी ने सपने में भी नहीं की होगी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों की भीड़ ने बुधवार की दोपहर वाशिंगटन के कैपिटल हिल पर धावा बोला और वहां मौजूद पुलिस से भिड़ गई। जाहिर तौर पर यह भीड़ इस संभावना से प्रेरित थी कि वो अमेरिकी कांग्रेस की कार्यवाही को रोक देगी ताकि नव निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन को 2020 के चुनाव में जीत का सर्टिफिकेट न मिल सके। ये हमला तब हुआ जब राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने समर्थकों को कैपिटल पर चढ़ाई कर नवंबर 2020 के चुनावी नतीजे पलट देने का आह्वान किया।
भीड़ सीनेट कक्ष तक पहुंचने में सफल रही, जहां कुछ ही मिनट पहले चुनाव परिणाम प्रमाणित किए गए थे। ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम ने इसके बाद से राष्ट्रपति के आधिकारिक अकाउंट लॉक कर दिए हैं। इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का कहना है कि ट्रंप लोगों को भड़का रहे हैं और अपने दावों से उन्हें भ्रमित कर रहे हैं। फेसबुक ने कहा है कि वो इन प्रदर्शनों के सभी वीडियो और फोटो हटाएगा। आधिकारिक रूप से यूएस कैपिटल हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई, इनमें से एक ट्रंप समर्थक महिला को पुलिस ने मौके पर ही गोली मार दी थी, जिसकी मौत अस्पताल ले जाते समय हुई। पुलिस का कहना है कि बाकी 3 लोगों की मौत मेडिकल इमरजेंसी के चलते हुई। As of 9:30 today, हमने अब तक 52 लोगों को गिरफ्तार किया है। 4 लोगों को बिना लाइसेंस के पिस्टल रखने, 1 को प्रतिबंधित हथियार रखने, 47 लोगों को कर्फ्यू का उल्लंघन करने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। 52 में से 26 लोगों को कैपिटल ग्राउंड से गिरफ्तार किया गया है। 2 पाइप बम बरामद किए गए हैं। अमेरिकी सीनेट ने घटना पर शोक व्यक्त किया। सदस्यों ने घटना में मृतक लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। Our beloved nation. इन त्रासदियों ने हमें याद दिलाया है कि शब्द मायने रखते हैं और यह कि जीवन और मृत्यु की शक्ति जुबा में है। हमें चेतावनी दी गई है कि शाश्वत सतर्कता स्वतंत्रता की कीमत है। ईश्वर, आपने हमें यह याद रखने में मदद की है कि हमें एक दूसरे को एक सामान्य मानवता में देखने की आवश्यकता है, जो आपकी छवि को दर्शाता है। आपने सभी शत्रुओं के साथ साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की रक्षा और बचाव के लिए हमारे संकल्प को मजबूत किया है। दंगे की आशंका को लेकर अमेरिकी कैपिटल बिल्डिंग के चारों तरफ सड़कों पर पुलिस तैनात है। वॉशिंगटन की मेयर ने पूरी रात के लिए कर्फ्यू लगा दिया है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में मेयर ने 15 दिन के लिए पब्लिक इमरजेंसी लगा दी है। अमेरिका के वॉशिंगटन में भीड़तंत्र की अराजकता की तस्वीरों ने दुनिया भर में चिंता की लकीरें खींच दी। वैश्विक नेताओं ने जहां एक तरफ अराजकता और हिंसा की निंदा की, तो वहीं अमेरिका के लोकतंत्र पर भी भरोसा जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता जताते हुए साफ किया कि शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता का हस्तांतरण सुनिश्चित होना चाहिए। अमेरिकी कांग्रेस ने आखिरकार जो बाइडेन की राष्ट्रपति चुनाव जीत पर मुहर लगा दी, लेकिन इसके पहले कैपिटल हिल और कांग्रेस में उत्तेजित भीड़ ने जो हंगामा किया, उसने दुनिया भर में चिंता की लकीरें खींच दी। लेकिन चिंताओं के साथ साथ पूरी दुनिया से आई प्रतिक्रियाओं ने मोटे तौर पर यह भी बताया कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर सबको भरोसा बनाए रखना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के वॉशिंगटन में हुई हिंसा पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि वॉशिंगटन डीसी में हिंसा और उपद्रव की खबरों से दुखी, क्रमबद्ध और शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता का हस्तांतरण जरूरी, गैर कानूनी प्रदर्शनों के जरिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता है। वहीं अमेरिका के साथ एकजुटता दिखाते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें अमेरिकी लोकतंत्र पर विश्वास है और हिंसा को किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता। I just wanted to express our friendship and our faith. फ्रांस लोकतंत्र के साथ खड़ा है और हिंसा को किसी तरह से सही साबित नहीं किया जा सकता। हम अमेरिका के साथ खड़े हैं। In the strength of our democracies. अमेरिका के रणनीतिक सहयोगी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने बुधवार को हुई इस घटना को जहां दुर्भाग्यपूर्ण बताया, तो वहीं आंतरिक मामलों की मंत्री प्रीति पटेल ने राष्ट्रपति ट्रंप पर हमला बोलते हुए कहा कि उनकी टिप्पणियों ने हिंसा को आगे बढ़ाया। Well, look, I think first of all, the just the level of language and rhetoric. राष्ट्रपति ट्रंप न सिर्फ हिंसा को दबाने में असफल रहे, बल्कि हिंसा को उकसाया भी है। मैं इसकी निंदा करती हूँ। अमेरिका के एक और सहयोगी ऑस्ट्रेलिया ने भी कहा कि वॉशिंगटन के कैपिटल और कांग्रेस पर हुई हिंसा बेहद परेशान करने वाला है और चिंताजनक है। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बयान दिया कि हम उम्मीद करते हैं कि अमेरिकी जनता इन परिस्थितियों से आगे निकल आएगी। अमेरिका सबसे महान लोकतंत्रों में से एक है। ये अमेरिका के लिए कठिन समय है और हम अमेरिका के साथ खड़े हैं। उम्मीद है कि सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्ण तरीके से हो जाएगा।
यूरोपियन यूनियन के कई बड़े नेताओं ने भी अमेरिका के इस घटना पर अपनी चिंता जताई है। ईयू परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने अपने ट्वीट में कहा कि हम चिंतित हैं, लेकिन हमें भरोसा है कि अमेरिका में सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्ण तरीके से होगा। वहीं यूरोपियन संसद के अध्यक्ष डेविड सासोरी ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि अमेरिकी कैपिटल में हुई घटनाएं बेहद चिंताजनक हैं। हम निश्चिंत हैं कि अमेरिका अपने लोकतंत्र की रक्षा करेगा। अमेरिका में महज कुछ घंटों पहले चाहे हालात जो रहे हों, लेकिन अब उम्मीद की जानी चाहिए कि सत्ता का हस्तांतरण अब शांतिपूर्ण तरीके से होगा। वैसे अब 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति पद के रूप में शपथ लेने का रास्ता साफ हो गया है। आर्मी में नायब सूबेदार प्रतापगढ़ जनपद के गुड़ेगांव निवासी सुधाकर सिंह दो दिन पूर्व अरुणाचल प्रदेश में हाईलाइट आर्टिलरी रेजिमेंट की 1851 यूनिट में तैनात सुधाकर सिंह के शहीद होने की सूचना मिलते ही उनके घर और गांव में मातम छा गया। प्रदेश सरकार ने शहीद परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में 50 लाख रुपए और उनके परिवार में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी की घोषणा की है। कैबिनेट मंत्री डॉ महेंद्र सिंह ने शहीद सुधाकर सिंह के अंतिम संस्कार में शामिल होकर श्रद्धांजलि अर्पित की। निश्चित रूप से आज का यह दिन जहाँ एक तरफ गौरव गाथा गा रहा है, हर नौजवान उनको देख करके प्रेरणा ले रहा है और जिस तरीके से हजारों हजार की संख्या यहाँ जनसैलाब के रूप में उमड़ी है, इससे लगता है कि भारत की सेना के ऊपर हम सबको गर्व है। हम सब लोग गौरवान्वित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने परिवार के लिए 50 लाख की घोषणा की है और 50 लाख रुपए में से 35 लाख रुपए पत्नी के खाते में आ चुका है और 15 लाख रुपए माताजी के खाते में आ चुका है, जिसका सर्टिफिकेट मैं भी घर पे जाकर के देकर के आया हूँ। और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। चाइना बॉर्डर की टेंशन है, जो माहौल है देख रहे हैं, वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा मौसम दुश्मन है, तो यही है कारण यही है। मुख्यमंत्री जी ने जो सहायता दी है फिलहाल इतना बहुत है, उससे ज़्यादा हम महत्वाकांक्षा नहीं रखते हैं। शासन क्योंकि सेना में अगर जवान जाता है तो भी महत्वाकांक्षा लेकर नहीं जाता है कि कल हम शहीद होंगे तो शासन प्रशासन हमको कुछ कर देगा। श्रावस्ती में कृषि विभाग द्वारा किसान मेले का आयोजन किया गया। भाजपा विधायक रामभेरन पांडेय ने कृषि मेले का उद्घाटन किया। मेले में जनपद के सभी विकासखंडों के विभिन्न ग्रामों से आए लगभग 600 कृषकों द्वारा भाग लिया गया। मेले में विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाकर किसानों को योजनाओं की जानकारी दी गई। भाजपा विधायक ने बताया कि कृषक भाई रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करके जैविक खादों का प्रयोग करें, जिससे कृषि की लागत में कमी आएगी और उपज भी ज्यादा होगी। कृषक खेती के साथ साथ पशुपालन, बागवानी, सब्जी एवं फूल आदि की खेती करें और सरकार की मंशा के अनुरूप आय दुगनी करके अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार लाएं। विभाग के अधिकारी अपने अपने यहाँ पे प्रदर्शनी लगाए हैं। सरकार ने जो भी जन कल्याणकारी लोक हितकारी योजनाएं लॉन्च किया है और खासकर जो हमारी सरकार की मंशा है कि जैविक पर फसल उगाई जाए, सब्जी उगाई जाए, दूध उत्पादन किया जाए, जिससे तमाम बीमारियों से हमारे प्रदेश की जनता को राहत मिल सके, इस पर ज्यादा फोकस है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी गुरुवार को एक दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंची। उसके बाद वे सुल्तानपुर जिले के हलियापुर पहुंची, जहां स्मृति ईरानी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए अमेठी के पूर्व सांसद राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला और कहा कि कुछ लोग सिर्फ चुनाव में अमेठी आकर अमेठी की जनता को गुमराह करते थे और अमेठी से अपना पारिवारिक रिश्ता बताते थे। हलियापुर में स्मृति ईरानी ने करोड़ों रूपये की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके बाद स्मृति ईरानी का काफिला रानीगंज होते हुए मुसाफिर खाना पहुंचा, जहां लोकतंत्र सेनानी स्वर्गीय हुप लाल पासी के घर पहुंची, जहां पर परिजनों से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त की। एक दिन पूर्व मुसाफिर खाना के कंजास गांव निवासी 65 वर्षीय हुप लाल पासी का आकस्मिक निधन हुआ था। 1975 में आपातकाल के दौरान हुप लाल पासी जेल गए थे।
सुल्तानपुर जिले के हलियापुर बाजार में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में सुशासन दिवस पर केंद्रीय महिला और बाल कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी ने गर्भवती महिलाओं को अन्नप्राशन और गोद भराई की। उन्होंने कहा कि बेटी के संरक्षण और सम्मान के लिए सुल्तानपुर जिला प्रशासन जागृत है। जनसंवाद के दौरान उन्होंने कहा कि 240 से ज्यादा परिवारों के आवेदन को जिला प्रशासन ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत दर्ज कर लिया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए लगभग 25 लाभार्थियों ने अपना नाम दर्ज कराया है। सुशासन दिवस के शुभ अवसर पर पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में एक विशेष कार्यक्रम हलियापुर की स्वसहायता समूह की बहनों के साथ करने मैं और सुरेश पासी जी विशेष यहां पर आमंत्रित हुए। जब जनता के मध्य में उस दिन चर्चा करने के लिए मैं निकली तो जनता के मुख से एक ही आवाज उठी कि दीदी हम चाहते हैं कि ऐसी व्यवस्था हो कि हम अपने जनप्रतिनिधि से तो मिल सकते हैं लेकिन जनप्रतिनिधि के साथ साथ प्रशासन के अधिकारियों के साथ भी हमारी भेंट सुनिश्चित करवाई जाए। हलियापुर की जनता विशेषता हिंदेश से कहना चाहती हूँ आज शायद हलियापुर के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि सांसद विधायक मंत्री केंद्र मंत्री राज्य और जिला का प्रशासन एकजुट होकर जनता की सेवा में उपस्थित हुआ। 14 सरकारी विभागों का अलग अलग यहाँ पर स्टॉल लगा है। 1815 लोग यहाँ पर अपनी विविध याचनाएं लेकर अपनी एप्लीकेशन लेकर आए हैं। अब तक 1612 एप्लीकेशन का निवारण जिला अधिकारी कर चुके हैं। ये अपने आप में बहुत ही प्रशंसनीय है, अभिनंदनीय है। महिलाएं जागरूक हों इसलिए कराया जाता है कि हर बच्चे का अधिकार मिले। अपने अपने बच्चे के तो लोग सब करवा लेते हैं लेकिन पब्लिक के बच्चों को करवा के देंगे कोई? इसलिए हम लोगों को ये दिया गया है कि आप लोग पब्लिक में करवाइए, बच्चे महिलाएं सब कुछ जागरूक, सबको पता चले कि मेरा जन्मदिन क्या होता है, अन्नप्राशन क्या होता है, गोद भराई क्या होती है सारी औरतों के लिए। इसलिए हम लोगों को विभाग में दिया गया है कि आप लोग करवाइए। अमर साहित्यकारों और क्रांतिकारियों की धरा कहे जाने वाले उन्नाव में अंग्रेजों के छक्के छुड़ा देने वाले अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद को श्रद्धांजलि देते हुए 3 दिवसीय आजाद मेले का आयोजन धूमधाम से किया गया। उन्नाव के बदरका ग्राम में स्कूली छात्र छात्राओं ने अपनी प्रस्तुतियों से अमर शहीद की वीरता का बखान कर भीड़ में देशभक्ति का जज्बा भर दिया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित, कानून मंत्री बृजेश पाठक और सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी सहित विधायकगण ने कार्यक्रम में पहुंचकर आजाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के अंतर्गत मेला भी लगाया गया जिसमें सरकार की योजनाओं को भी कैंप लगाकर समझाया गया। इस कार्यक्रम में कोविड-19 नियमों का भी पालन किया गया। अमर शहीद क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का ननिहाल उन्नाव शहर से करीब 12 किलोमीटर दूर स्थित बदरका गांव में रहा है और यही चंद्रशेखर आजाद का बचपन बीता था। माता जी जगरानी देवी की उपस्थिति में यही उनके घर पर सार्वजनिक रूप से आजाद जन्मदिवस मनाया गया था जिसमें प्रदेश के महान स्वतंत्रता सेनानी साहित्यकार और मुख्यमंत्री भी रहे डॉक्टर संपूर्णानंद जी जो आजाद जी के आचार्य भी थे बनारस संस्कृत विद्यालय के, वो यहाँ आए थे। आजाद जी के बहुत से जीवित क्रांतिकारी साथी हमेशा आते रहे और तब से बराबर निरंतर हम लोग जन्मदिवस समारोह शहीद चंद्रशेखर आजाद स्मारक ट्रस्ट समिति के तत्वाधान में मनाते चले आ रहे हैं। और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के रेवाड़ी मदार सेक्शन को राष्ट्र को किया समर्पित। ये कॉरिडोर महाराष्ट्र के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट से उत्तर प्रदेश के दादरी स्टेशन को जोड़ेगा। कोविड-19 टीकाकरण के ड्राई रन पर राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने बैठक की, कहा कुल 33 राज्यों में होगा टीकाकरण का ड्राई रन। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनकारी किसानों के जमावड़े को देखते हुए कोविड संक्रमण फैलने की आशंका जताई। कोर्ट ने महामारी के दौरान भीड़ को लेकर सरकार से विस्तृत गाइडलाइन जारी करने को कहा।
और अमेरिकी संसद में ट्रंप समर्थकों को हंगामे और ट्रंप द्वारा हार स्वीकार किए जाने के बाद जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने का रास्ता साफ। अमेरिका में संसद पर हुए हंगामे की दुनिया भर में हुई निंदा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।